नमस्कार दोस्तों, गौतम स्पेशल स्टडी मटेरियल बाय अनिल कुमार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ डेली एग्रीकल्चर क्यूज नंबर 15। जी हाँ दोस्तों, क्यूज नंबर 15 जो कि आज बेस्ड है वीट पे। जो मैंने आपसे कहा था कि मैं इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जितनी हैं उन पर क्यूज बना लिखकर आऊँगा या फिर उन पर वीडियो बनाऊँगा। तो आज का जो ये क्यूज है वो बेस्ड ऑन वीट वीट पे जो है ये बेस्ड है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी IBPS AFO एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट नाबार्ड एंड ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वीट पे, तो आइए दोस्तों देखते हैं आज के उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जो कि वीट से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीट के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है उनको मैं लेकर आया हूँ। जैसे बॉटनिकल नेम ऑफ वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम। जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो 2n इक्वल टू कितने होंगे आपके, 42। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो नंबर होते हैं आपके 42। ओरिजिन ऑफ वीट, साउथ वेस्ट एशिया टर्की। और नेक्स्ट है जो द स्टेट विच हैज़ हाइएस्ट प्रोडक्शन एंड हाइएस्ट कल्टिवेटेड एरिया, तो आपका होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाइएस्ट प्रोडक्शन एंड हाइएस्ट कल्टिवेशन एरिया जो है आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट विच हैज़ हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा पंजाब। तो ये दो क्वेश्चंस को मैंने एक पास इसलिए रखा है क्योंकि दोनों में कन्फ्यूज़न बहुत रहती है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि हाइएस्ट प्रोडक्शन है हाइएस्ट कल्टिवेटेड एरिया, और यहाँ पे बात कर रहा है पंजाब के लिए हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी की। तो यहाँ इन दोनों में डिफरेंस है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस आंसर मार्क करते समय जो है आपको बहुत ही सावधानी पर रखनी पड़ेगी, केयरफुली आप जो है आंसर करिएगा इन क्वेश्चंस का। मार्कोनी वीट इज आल्सो नोन एज ट्राइटिकम ड्यूरम, एमर वीट इज नोन एज ट्राइटिकम डाइकोकम। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सुटेबल लेट सोन वैरायटी इज सोनालिका, सोइंग टाइम ऑफ वीट इज 15 नवंबर टू 20 नवंबर, स्पेसिंग ऑफ रो टू रो 22.5 सेंटीमीटर, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन, तो आपकी होगी CRI स्टेज। CRI स्टेज कम्स आफ्टर डेज तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी स्टेज आती है वो होगी आपकी 21 days। तो यहाँ पर नेक्स्ट है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉफनेस इन वीट, तो आपका यहाँ पे जीन जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो है Norrin 10। आपका होगा यहाँ पे आंसर Norrin 10। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट मिमिक्री वीट इज फ्लेरिस माइनर, कॉमन ब्रेड वीट इज नोन एज ट्राइटिकम एस्टिवम, फ्लावरिंग पोर्शन ऑफ वीट इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेड भी बोलते हैं, ईयर भी बोलते हैं और स्पाइक। तो आपको यहाँ पे अगर इन तीनों में से कोई ऑप्शन दिया होगा, पांच ऑप्शन होंगे आपके पास, और इन तीनों में से अगर आपके पास उसमें ऑप्शन दिया है तो आप उसे मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसे क्या कहते हैं, हेड भी बोलते हैं, ईयर भी बोलते हैं और स्पाइक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट वेट ऑफ वीट इज, तो आपका होगा आंसर यहाँ पे 40 ग्राम। सेलिंग परसेंटेज ऑफ वीट इज 60%। ट्राइटिकम ट्राइटिकम स्फेरोकोकम आल्सो नोन एज, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा इंडियन ड्रॉफ वीट या क्लब वीट। तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ट्राइटिकम स्फेरोकोकम का जो और भी नाम जाना जाता है वो है इंडियन ड्रॉफ वीट एंड और क्या होगा, क्लब वीट। फ्रेंड्स, आज के क्यूज में बस इतना ही, लगभग मैंने 16-17 क्वेश्चंस पे बात की है। तो ये क्यूज आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। क्यूज पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें और बहुत सारा जो है इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि जब भी मैं नया क्यूज अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सबसे पहले देखें। तो दोस्तों, आज के क्यूज में बस इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्यूज में। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।